नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निश गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीबीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। भागलपुर के इंडोर स्टेडियम में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का हुआ शुभारंभ। 32 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी दिखा रहे प्रदर्शन। उपेंद्र मंडल हत्याकांड में 20 वर्ष बाद आया फैसला। एडीजे 2 कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 10 वर्ष की सजा। सरस्वती पूजा के प्रसाद को लेकर हुई थी हत्या। एसएसपी कार्यालय में क्राइम मीटिंग का हुआ आयोजन। अपराध की घटना पर अंकुश लगाने के एसएसपी ने दिए निर्देश। नौ नवंबर को भागलपुर सैंडिस कंपाउंड में यूनिवर्सल पीस सिंबल का होगा आयोजन। भाजपा नेता अर्जित सासवत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। और मजदूरी कर वापस अपने घर लौट रहे मजदूर को तेज रफ्तार हाईवा ने रौंदा, मौके पर हुई मौत। और अब खबरें विस्तार से। जिला बैडमिंटन संघ के बैनर तले इंडोर स्टेडियम में आयोजित 5 दिवसीय 33वां नेशनल सब जूनियर अंडर 13 बैडमिंटन चैंपियनशिप का शुभारंभ बुधवार को हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी, जिलाधिकारी प्रणव कुमार, डीडीसी सुनील कुमार, आयोजन सचिव सत्यजीत सहाय एवं सदर एसडीओ आशीष नारायण ने दीप प्रज्वलित एवं खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया, जिसके बाद सभी अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया गया। प्रतियोगिता के पहले दिन सिंगल मैच झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार और असम के बीच खेला गया। इस दौरान सभी खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में 32 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के 350 खिलाड़ी, कोच, रेफरी एवं टीम के मैनेजर शामिल हुए। चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में किया गया है। कमिश्नर वंदना किनी ने कहा कि खेल के क्षेत्र में काफी स्कोप है, गांव और शहर के युवा स्पोर्ट्स के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि खेलों के विकास के लिए इस तरह के आयोजन आगे भी किए जाएंगे, जिससे युवा खेल के प्रति जागरूक होंगे। स्पोर्ट्स में भी बहुत लेकिन वो आगे नहीं आ पाती, तो अगर स्पोर्ट्स कुछ फैसिलिटीज हम लोग उनको देते हैं उसका तो जो छुपी हुई प्रतिभाएँ हैं, चाहे वो गांव में हो चाहे शहर में हो, तो आगे चल कर खेलों में बहुत काम कमा सकती हैं। तो ये बहुत ही गर्व का विषय है और हर्ष का विषय है कि ये सब जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज हो रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले साल तक सैंडिस में और खेलों के लिए भी व्यवस्था हो जाएगी। हर्ष और गर्व का विषय है कि यहाँ पर 33वीं सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। देश के सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। ये हम लोग काफ़ी गर्व का विषय है और आयोजक समिति के सभी सदस्यों ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है और आज यहाँ खेल की शुरुआत, इस आयोजन की शुरुआत द्वारा की गई। हम लोग अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि 4 दिवसीय ये कार्यक्रम चलेगा, काफ़ी बेहतर होगा और भविष्य में भी खेल के विकास में भागलपुर जिले के लिए एक मिलकर साबित होगा और आगे भी हम लोग इस तरह का आयोजन कराते हैं। भागलपुर एडीजे 2 कोर्ट ने 20 वर्ष पूर्व हत्या के मामले में आरोपित कपिल देव मंडल को 10 वर्ष की सजा सुनाई। बुधवार को न्यायाधीश शोभाकांत मिश्रा की अदालत ने सजा का ऐलान किया। दरअसल 23 जनवरी 1999 को सरस्वती पूजा के दिन सबौर में प्रसाद वितरण को लेकर मृतक उपेंद्र मंडल से आरोपी कपिल देव मंडल का विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी कपिल देव मंडल ने गोली मार दी। अपर लोक अभियोजक मोहम्मद रियाज हुसैन ने बताया कि 2 धाराओं के तहत आरोपी को 7 साल और 3 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि दोनों धाराओं में 15,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं चुकाने के बदले आरोपी को 3 माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। ये जो है सेशन 317/2000 में ये सबौर कांड संख्या 27/307 में सुनाया गया सजा और 27/8 में सजा। घटना यही है कि उस दिन जो है 21/1/99 को अभी कपिल देव महतो जो है कपिल देव मंडल सरस्वती पूजा का दिन था, उसने प्रसाद मांगने आए। प्रसाद के समय हुआ क्या कि जो है बोला कि और भी प्रसाद मिले, उसमें बकबुक होने लगा। उसमें मनोज जो इन्फॉर्मेंट केस के हैं उसके पिता को जो है इसने गोली फायर कर दिया, जिससे घटनास्थल पर जो है उसकी जख्मे हो गए, हॉस्पिटल ले जाया गया। उसने तो आज 23 तारीख को इनको दोषी पाया गया था 307 में 27/8 में। आज जो है उनको जो सुनाया गया है 307 में 7 वर्ष की कारावास सुनाया गया है
10,000 रुपया जुर्माना और उसको 27 आर्ज में 3 वर्ष की सजा सुनाई गया है और 5,000 रुपया फाइन। भागलपुर SSP आशीष भारती के कार्यालय में बुधवार को मासिक क्राइम मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें सिटी SP सुशांत कुमार सरोज, सिटी DSP राजवंत सिंह, विधि व्यवस्था DSP निसार अहमद एवं जिले के इंस्पेक्टर और थानाध्यक्ष मौजूद थे। इस दौरान SSP ने सभी थानेदारों से हाल के दिनों में हुई घटना और आरोपियों की गिरफ्तारी की समीक्षा की। SSP ने थानेदारों को हर हाल में अपराध पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में नियमित गश्ती करने, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी करने एवं पूर्व में दर्ज कांडों का निष्पादन शीघ्र करने का निर्देश दिया। SSP ने धूरी यादव हत्याकांड मामले में सिटी SP के नेतृत्व में टीम का गठन करने एवं तकनीकी अनुसंधान के जरिए अपराधियों तक पहुंचने की बात कही। भागलपुर का नाम इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने वाला है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ऐतिहासिक सैंडिस कंपाउंड मैदान में यूनिवर्सल पीस सिंबल का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर बुधवार को भाजपा नेता अर्जित सासवत चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे कार्यक्रम की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। अर्जित ने कहा कि 9 नवम्बर को भागलपुर में ऐसा आयोजन होने वाला है जो अब तक विश्व में नहीं हुआ है। इसको लेकर शहर के विभिन्न संगठनों की ओर से तैयारियां चल रही है। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में स्कूली बच्चे शामिल होंगे। एक बहुत व्यापक कार्यक्रम करने वाले हैं जो विश्व में ही नहीं हुआ है। भागलपुर तो नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में पहली बार होगा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है UN, उसका एक पीस सिंबल है और उस पीस सिंबल को भागलपुर के हमारे नौनिहाल कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा तक के 4 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनके द्वारा एक यूनिवर्सल UN पीस सिंबल का निर्माण किया जाए। ये UN पीस सिंबल ये प्रदर्शित करता है कि यूनिवर्सल पीस कैसे कायम हो। पूरे विश्व में भारत की कल्पना है वसुधैव कुटुंबकम, उसी के माध्यम से हम लोग सभी लोगों के सुरक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। जिले में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मजदूरी कर वापस अपने घर लौट रहे व्यक्ति को हाइवा ने रौंद डाला। घटना में व्यक्ति की मौत मौके पर ही हो गई। मृतक की पहचान गोपालपुर गांव निवासी प्रकाश यादव के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बाईपास टोल टैक्स के समीप मृतक मजदूर शहर से मजदूरी कर साइकिल से वापस अपने घर गोपालपुर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार हाइवा मजदूर को कुचलते हुए फरार हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही 0 माइल थाना अध्यक्ष राज रतन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सिल्क TV। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो। अगर PVY आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाएं, फिर रजिस्ट्री कराएं। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपये में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070909894 8210975763 7542931524 6200102297 बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे सिल्क TV। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के समीप बुधवार को शिक्षकतर कर्मचारी संघ के द्वारा प्रोटेस्ट डे मनाया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर किया गया है। संगठन के महासचिव रंजीत कुमार ने कहा कि सरकार विश्वविद्यालय कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने नई शिक्षा नीति वापस लेने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने, सभी विश्वविद्यालय की तरह सीनेट एवं सिंडिकेट में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व देने एवं अस्थाई कर्मचारियों को अस्थाई करने की मांग की है। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी संगठन दिल्ली के आह्वान पे हम लोग जो है ना ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
जिसमें मुख्य डिमांड है नई शिक्षा नीति वापस लिया जाए, दूसरा डिमांड है पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाए, तीसरा डिमांड शिक्षक कर्मचारियों शिक्षक के भांति यूजीसी वेतनमान दिया जाए भारत पूरे भारत में एक समान लागू किया भारत के सभी विश्वविद्यालय में सीनेट सिंडिकेट में कर्मचारियों की प्रतिनिधि दिया जाए, अस्थाई अस्थाई कर्मचारी जो नियुक्त है उसको अस्थाई किया जाए। भागलपुर के भिकनपुर स्थित रेलवे इंजीनियरिंग कार्यालय के समीप बुधवार को जुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति की ओर से धन्यवाद बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता मोहम्मद कासिम ने की। इस दौरान जुग्गी झोपड़ी वासियों ने डीएम प्रणब कुमार को धन्यवाद दिया। जुग्गी झोपड़ी वासियों ने कहा कि जिलाधिकारी ने सभी जुग्गी वासियों को बिना बसाए नहीं उजाड़ने का आश्वासन दिया है। गौरतलब हो कि 10 नवंबर तक रेलवे की ओर से जुग्गी वासियों को जमीन खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया था, जिसके बाद संघर्ष समिति के लोगों ने डीएम को आवेदन देकर बसाने के बाद उजाड़ने की लगाई थी। बैठक में उदय रामपूजन, समीम सुगिया देवी, ज्योतिष झा सहित कई लोग मौजूद थे। जमुई सांसद चिराग पासवान को लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर भागलपुर लोजपा कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखी गई। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष संगीता तिवारी के नेतृत्व में घंटाघर चौक के समीप कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर एवं मिठाई खिलाकर बधाई दी। वहीं कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी भी की। संगीता तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी और मजबूत होगी, साथ ही पार्टी से जुड़े युवा कार्यकर्ता नए उत्साह एवं ऊर्जा के साथ काम करेंगे। इस मौके पर अंशुमन सिंह, सौरभ तिवारी, नीरज तिवारी, दिवाकर सिंह, रोहित जितेंद्र सहित कई लोजपा नेता मौजूद थे। आज लोक जनशक्ति पार्टी के लिए ये जश्न का माहौल है, क्योंकि हमारे रामविलास जी ने हमारे युवा श्री चिराग पासवान जी को अपना कमांड सौंप दिया है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर भागलपुर की पूरी लोजपा टीम हमारे साथ, युवा के अध्यक्ष हैं दिवाकर सिंह जी, धनंजय यादव जी हैं जो गोरडी के हैं, और हमारे साथ महिलाएं की टीम है, पूरी भागलपुर की टीम जो लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी की है, हम लोग उनको बधाई दे रहे हैं। उत्पाद विभाग और पंजवारा पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 3 शराब तस्कर को विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए तस्करों के पास से पुलिस ने झारखंड निर्मित 21 बोतल विदेशी शराब को बरामद किया है। पकड़े गए तस्करों की पहचान पौरैया हाट निवासी पांडव कुमार दास और पुंसिया निवासी सुबोध दास के रूप में हुई है, जबकि रांची से भागलपुर आ रही यात्री बस से 0 माइल भागलपुर निवासी शैलेश राय को एक बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद दरोगा सौरभ कुमार ने बताया कि झारखंड से तस्करों के द्वारा शराब लाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद चेक पोस्ट के समीप सघन तलाशी अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि उत्पाद अधिनियम के तहत तीनों को जेल भेज दिया गया है। असम के डिटेंशन कैंप में 27 लोगों की मौत और नागरिकता संशोधन बिल वापस लेने की मांग को लेकर बुधवार को भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने भागलपुर स्टेशन चौक के समीप प्रदर्शन किया। इस दौरान माले कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुकेश मुक्त ने कहा कि पूरे देश में NRC लागू करने की योजना को सरकार अविलंब वापस ले, नहीं तो भाकपा माले की ओर से चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। और इसके साथ इन लोगों को डिटेंशन कैंप में रखा गया है। इनमें से 27 लोगों की मौत हो चुकी है, और जो जिन लोगों की मौतें हुई है और उसमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, और हिंदुओं की संख्या अधिक है। तो ये जो डिटेंशन कैंप में 27 लोगों की मौतें हुई है, इसी मौत के खिलाफ आज भाकपा माले ने राष्ट्रव्यापी प्रतिवाद की घोषणा की थी। नौगछिया के महाशमशानी उग्र कालिका सिद्ध शक्ति पीठ नगर वैसी परिसर में शिव शक्ति योग पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी आगवानंद जी महाराज के निर्देशन में माता कालिका कृपा सत्संग का आयोजन किया गया। इस दौरान आचार्य कौशल जी वैदिक एवं सहयोगी आचार्यों के द्वारा मंगल आरती किया गया। स्वामी आगवानंद जी महाराज ने कहा कि जगत जननी माता उग्र कालिका के पूजन से मनुष्य को मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इससे पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल, अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। वहीं नगरा में 11.5 लाख की लागत से बने रंगमंच का उद्घाटन स्वामी आगमानंद जी महाराज के नेतृत्व में अतिथियों ने किया। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1 लाख रुपए प्रति कट्ठा। भागलपुर के इंडोर स्टेडियम में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का हुआ शुभारंभ। 32 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी दिखा रहे प्रदर्शन।
उपेंद्र मंडल हत्याकांड में 20 वर्ष बाद आया फैसला। एडीजे 2 कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 10 वर्ष की सजा। सरस्वती पूजा के प्रसाद को लेकर हुई थी हत्या। एसएसपी कार्यालय में क्राइम मीटिंग का हुआ आयोजन। अपराध की घटना पर अंकुश लगाने के एसएसपी ने दिए निर्देश। नौ नवंबर को भागलपुर सैंडिस कंपाउंड में यूनिवर्सल पीस सिंबल का होगा आयोजन। भाजपा नेता अर्जित सासवत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। और मजदूरी कर वापस अपने घर लौट रहे मजदूर को तेज रफ्तार हाईवा ने रौंदा, मौके पर हुई मौत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।